बेटा ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं कि आपको एक्सलेशन दी गई है किसी पार्टिकल की, F0 कांस्टेंट है, 1 माइनस स्मॉल टी वेरिएबल होता है और कैपिटल टी कांस्टेंट होता है। ये आपको जो है एक्सलेशन दी गई है। आपको वेलोसिटी निकालनी है, हिसाब वेलोसिटी निकालिए। तो आपने कहा बहुत आसान है, हमको मालूम है, इसको मासूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलेरेशन होता है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, F0 अगर हम इसको खोल भी दें, F0 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और dt को इधर ले आए, वेलोसिटी चाहिए तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है, बस आपको देखना है कि हमने आपको क्या बताया। सारा खेल लिमिट का होता है बेटा, इंटीग्रेशन। पढ़िए, टी बराबर 0 हैज 0 वेलोसिटी, इधर काय की रखोगे, टाइम की, इधर किसकी, वेलोसिटी। तो टी बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 थी। अब ये देखना है कि भाई साहब कि अब जो इधर समय होगा उस समय आपको वेलोसिटी चाहिए होगी। उसके लिए उसने कंडीशन दी है, उसने कहा है कि व्हेन एफ इज इक्वल टू 0, उस समय का टी बराबर 0 से लेके कब तक का, योर टाइम स्टार्ट नाउ, ये देखिए माइनस लगा हुआ, डी एक्सिलेट कर रहा है इसका मतलब, और कब तक करेगा डी एक्सिलेशन, जब तक कि एक्सिलेशन आपकी समाप्त ना हो जाए। तो ये वाला जो टाइम चाहिए आपको, बस वो मिल जाए तो आपका काम बन जाए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, कब कह रहे हो कि जब आपकी एक्सेलेरेशन 0 हो जाए। तो हमने एफ इजिकल टू 0 रख लिया, F0 1 माइनस t अपॉन t हो गया। आप जानते हैं F0 कांस्टेंट है तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 हो सकता है, ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है, ये आप कह सकते हैं, इतना इजिकल टू 1, ये आपको लिमिट मिल गई, इधर ले आइए t। तो यानी आपको उस समय वेलोसिटी बतानी है जब आपकी एक्सेलेरेशन 0 हो गई है, एक्सेलेरेशन इज 0, और उस सूरत हाल में जो टाइम मिल रहा है वो कैपिटल टी। काम बन गया, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, डीवी को करेंगे तो वी मिल जाएगा, इतना आप सब बच्चे जानते हैं। इसको हम दो फैक्टर में खोल देते हैं, इंटू dt माइनस F0 और t कांस्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में था, बाहर ले लिया t dt। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, आगे चलते हैं। v की वैल्यू रखी अपर माइनस लोअर, यहां पहुंचे, F0 आपका कांस्टेंट था बाहर आ गया, केवल dt था, dt का आपको मिल गया t, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। F0 अपॉन कैपिटल टी इज ए कांस्टेंट, यहां पहुंचे, टी को इंटीग्रेट करना है, तो आप जानते हैं n बराबर 1 प्लस 1, तो आपने कहा कि ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 1, 0 से लेके टी। काम बन गया आपका, एक बार अपर लिमिट रख लीजिए माइनस लोअर लिमिट, दो बाहर ले लीजिए कांस्टेंट है, एक बार टी की वैल्यू अपर लिमिट थी यानी टी स्क्वायर, एक बार 0 का स्क्वायर, तो वी बराबर F0 t माइनस 1/2 F0 t, यहां केवल टी स्क्वायर होगा, इस टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप करेंगे कि F0 t माइनस 1/2 F0 t। तो F0 t और F0 t में से एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा बचा बस, दिस इज योर आंसर, पहुंचे है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहां कोई दिक्कत नहीं, इतना सब आते थे, सारा खेल इस लिमिट का था कि ये टाइम क्या होगा, उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी थी, वहां से आपने उसको निकाल लिया। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेम वर्ड, बेटा इंटीग्रेशन में फंसो के कहा, जब लिमिट रखना पड़ेगा,